बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नीलम शहज़ादी आपकी खिदमत में आज है नई रेसिपी लेके। तो आज की मेरी रेसिपी है पकौड़ा बर्गर, ठीक है। पकौड़े वाला बर्गर, तो उसके लिए हमने जिस तरह बेसन का मटेरियल तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरह, ये देखिए मैंने बेसन का मटेरियल तैयार किया है। इसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज, आलू, नमक, मिर्च, हल्दी, पीसा धनिया, दादरी मिर्च, अजवाइन, थोड़ी सी गरम मसाला और सूखा धनिया साबुत भी और पीसा हुआ भी, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी डाल के दादरी मिर्च डाली है और हसबे जैकर सारी चीज़ें डाल के, यानी कि पकौड़ों का मटेरियल तो आपको तैयार करना आता ही होगा, ठीक है। पकौड़ों का मटेरियल तैयार किया है और मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया हुआ गर्म होने के लिए। देखिए ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और उसमें मैंने दो पकौड़े तल के नमक मिर्च टेस्ट भी किया, तो परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, बर्गर के लिए इसमें पकौड़ा तल लूँगी बड़े साइज़ का थोड़ा सा। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का पकौड़ा तला है जितना के बर्गर में आ जाए, ठीक है। अभी हम इसको पकने देंगे। एट साइड हो गई है तो इसकी दूसरी साइड मैंने चेंज की है। अच्छी तरह से हम पकोड़े को पकाएंगे जी। ये देखिए यहाँ पे पकोड़ा मेरा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए बेहतरीन पकोड़ा मेरा रेडी हो गया। अब जी एक मेरे पास बर्गर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको दरमियान से मैं इस तरह से काट लूँगी। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, कैचअप लगाऊँगी। पकौड़े वाला बर्गर बड़ा मज़ेदार लगता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अब जी मेरे पास जो पकौड़ा था ये देखिए बड़े साइज़ का मैंने किया, इसके ऊपर भी मैं केचप लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें यहाँ पे ये मेरा देखें पकौड़े वाला बर्गर रेडी हो चुका है। इजीली ये आप बना सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये देखें पकौड़े वाले बर्गर की रेसिपी कैसी लगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।